बुलाना है जी। मेरा नाम राकेश बजरंगी, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। जैसे कि कल रात को हमने दीपिका सिंह रजावत का के घर के बाहर जो प्रोटेस्ट किया था, उसने जो ट्विटर पे जो ट्वीट किया है वो एक हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया है और पूरे हिंदू समाज को रेपिस्ट दिखाया उसने। और नवरात्र में ये पूजा करते हैं और अन्य दिन ये रेप करते हैं, इस प्रकार से उसने ट्वीट किया है। उसके विरोध में आज पूरा देश जो है एक ही डिमांड जो है प्रशासन से कर रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, सभी से एक ही डिमांड की जा रही है कि दीपिका सिंह रजावत को अरेस्ट किया जाए। आज सोशल मीडिया चाहे नेशनल चैनल हो, सभी में एक ही चीज़ चल रही है कि इसको अरेस्ट किया जाए। आज हमने गांधीनगर में एक FIR दी है, उसकी रिसीविंग भी हमें मिल चुकी है। आज गांधीनगर में हमने इसके खिलाफ जो है इनके अगेंस्ट जो 295A के तहत हमने कहा है कि इसके ऊपर पर्चा जो है दर्ज किया जाए, क्योंकि इन्होंने एक कम्युनिटी को जो है वो टारगेट किया है और उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। क्योंकि ये दीपिका सिंह रजावत वही एक एडवोकेट है जिसने कठुआ में भी एक कम्युनिटी को टारगेट किया था, डोगरा कम्युनिटी को, और देवस्थान जो था उसको भी बदनाम करने की कोशिश की गई थी। ये किस प्रकार से उस टाइम सुर्खियों में रही जो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसी प्रकार से इसने जो कल जो ट्वीट किया उसके बाद इसने वीडियो भी एक वायरल किया, उसमें इसने कहा कि हाँ ये ट्वीट मैंने किया है, वो सीधे सीधे मानती है। तो लेकिन उसके बाद हमने रात को प्रोटेस्ट किया है और आज हमने इसके ऊपर जो है FIR जो है लगाने के लिए एक एप्लीकेशन जो है वो गांधीनगर थाने में दी है।